Guys, good morning. Today I am telling about your new education policy 2020. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू शिक्षा नीति में सरकार ने किए ये बदलाव, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे कर सकेंगे PhD. यस, लुक, ये देखिए आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 है, देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा. ओके, MPhil का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है. नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे PhD करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. इसी के साथ अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. अब आप ये देखिए, सरकार ने की ये बदलाव, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे आप क्या कर सकेंगे, PhD कर सकेंगे. जो शिक्षा सचिव, हमारे जो शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा. ओके, पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और उसके बाद डिग्री दी जाएगी. यस, जो हमारा था, पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और उसके बाद डिग्री दी जाएगी. नई शिक्षा के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम सेकंड वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा. एक वर्ष में सर्टिफिकेट और दूसरे कोर्स पूरा करने पर डिग्री प्रदान की जाएगी. मिनिस्ट्री ने जारी किया नई शिक्षा का फॉर्मूले, देख लेना आप. यस, नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है, किया जा रहा है. कानून और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे. निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे. विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे. 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का यह 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है. केंद्रीय शिक्षा सचिव ने कहा, अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जाएगा. इसमें विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा और शोध के बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेगा. ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा. बुधवार को जारी की गई नीति में कहा गया है कि फाउंडेशन लाया जाएगा, इसमें विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा. और शोध के बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा. ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा. बुधवार को जारी की गई नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षकों को मजबूत एवं पारदर्शी प्रक्रिया को माध्यम से भर्ती किया जाएगा. पदोन्नति योग्यता आधारित होगी. मूल्यांकन बहुस्त्रोत आवधिक प्रदर्शन पर आधारित होगा. शैक्षिक प्रशासक या शिक्षक प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को प्रगति पद उपलब्ध होंगे. ओके, थैंक्स.